सुलेमान नामी शख्स के साथ ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने दोस्त के हमराह घर की जानिब जा रहा था। ये रात के लगभग 11 बजे का वक्त होगा जब उनका सामना इस चीज के साथ हुआ। ये क्या बोला? इधर लो के मेरे को, इधर लो। क्या कर रहे हो अज्जू भाई यार? इस खौफनाक मखलूक को देखते ही उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन दूसरी जानिब वही चीज उनका रास्ता काटती है। क्या ये वही पिछल पैरी है जिसे हम उर्फ आम में चुड़ैल कहते हैं? इस किस्म की कुछ वीडियोस आज आपको दिखाई जाएंगी। मैं हूं शेख अवैस और आप देख रहे हैं नाजरीन। ये वीडियो तुर्की के कब्रिस्तान की है जहां घूस्ट हंटर ने अपनी वीडियो बनाने का फैसला किया। वीडियो की शुरुआत तो मामूल के मुताबिक थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कोई इस पर नजर रखे हुए है। एक और मुकाम पर जब उसे एक पानी का नल चलता हुआ महसूस हुआ तो वहां भी चेहरा दिखाई दिया। इसके बाद वही हौलनाक चेहरा उसे एक छत पर दिखाई दिया, जिसके बाद शख्स ने कलमे दुरूद पढ़ते हुए वहां से बाहर निकलना ही मुनासिब समझा। Yüz bir kelime etla ittamat mişer mahala. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alaminer rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alaminer rahmanir rahim. जिन्नात के इलाके में दाखिल होने वाले शख्स को कैसे फांसी पर लटका दिया गया, मुकम्मल वीडियो का लिंक इसी वीडियो के इख्तिताम पर दिया गया है, इसे भी जरूर देखिएगा। खवातीन हजरात, अब आपको एक खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक एक खातून ने अपने बीमार वालिद की निगरानी के लिए कैमरा नस्ब करवाया जो सेंसर मोशन की खसूसियात वाला था। तभी उसके मोबाइल पर किसी की मौजूदगी का पैगाम मौसूल हुआ तो उसने कैमरे में ये मंजर देखा जब कोई परछाई उसके वालिद के पास खड़ी थी। यहाँ एक और बात ये सामने आई कि ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसकी वालिदा की है जो कुछ अरसा कबल इंतकाल कर गई थी। मजीद अचंभे की बात यह है कि उसी रात उनके वालिद की भी मौत वाकई हो गई। तो क्या उस बूढ़े शख्स की बीवी उसी अगली मंजिल की जानिब लेने आई थी? नाज़रीन मोहतरम, पिछली तस्वीर से मिलती जुलती एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो एक छोटे जजीरे पर ली गई थी। तस्वीर बनाने वाली लड़की के मुताबिक उसने जब अपने कुत्तों की तस्वीर बनवाई तो वहां पर एक और अनजान शख्स की परछाई भी रिकॉर्ड हुई जिसे वो नहीं जानती थी। बाद जहां घर के दूसरे फर्द को ये तस्वीर दिखाने पर उससे मालूम हुआ कि तस्वीर में नजर आने वाला शख्स उनका दादा है जो काफी अरसा पहले वफात पा चुका है। तो क्या इन दो तस्वीर से हम ये कह सकते हैं कि गुजर चुके अफराद हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, ये मंजर भी आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है कि जिसमें एक बेबी कैम ने एक अजीब मंजर रिकॉर्ड किया। देखने में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहां एक नहीं बल्कि दो बच्चे सो रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? क्या ये पुरस्कार चेहरा हकीकत में किसी दूसरे बच्चे का है या सिर्फ नजरी धोखा? हमारे दूसरे चैनल खौफनाक दुनिया की ये खौफनाक वीडियो भी जरूर देखिएगा।